आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग है। जनरली ऑर्डर एंड रैंकिंग लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी लगता है कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड है या कि ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे ट्रिकी भी आ जाते हैं कि आप कुछ टाइम बचाने के लिए आप वो क्वेश्चन मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो या फिर गलत करते हो। आपको लगता है कि आपका आंसर सही है पर वो आंसर गलत होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में यही होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है और आपको लग रहा होता है कि हाँ हाँ हो जाएगा, बट एंड टाइम पे आपका वो टाइम भी ज्यादा खाता है और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को थोड़ा स्टेप वाइज पढ़ेंगे, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डर एंड रैंकिंग से। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इसमें पहले टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जनरली एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, पर जब तक आपके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और क्या पता कि आपसे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको फॉर्मूला ही नहीं पता हो। तो स्टार्ट करते हैं टाइप वन क्वेश्चन से जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और एक एग्जाम्पल की मदद से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ पर्संस, इन अ रो ऑफ persons, the position of A from the left is L, and the position of A from the right is R. What are the total number of persons? Total number of persons. Number of persons in a row. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक रो है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसमें एक कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से मतलब लेफ्ट एंड से, बेसिकली ऐसे जैसे ये रो है, ये हो गया लेफ्ट एंड, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट एंड और ये हो गया राइट एंड, ठीक है, ये हो गया राइट एंड। ठीक, तो लेफ्ट एंड से उसकी पोजीशन कुछ एल है और राइट एंड से उसकी पोजीशन आर है, ठीक है, कुछ लेफ्ट एंड से यहां होगी, लेफ्ट एंड से और यहां पे राइट एंड से यहां होगी। और पूछा क्या है कि कितने लोग इस रो में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, उस पर ये बेस्ड है। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, लेफ्ट एंड से हमें यहां दे रखा है, राइट एंड से हमें यहां दे रखा है। फॉर्मूला जो इसके लिए यूज होता है, आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा, फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन अ रो इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस पोजिशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम राइट साइड माइनस वन। मतलब कि एक रो में कितने लोग बैठे हुए हैं
उसमें हमें एक भी इंसान की अगर पोजीशन लेफ्ट साइड से और राइट एंड से पता हो तो हम निकाल सकते हैं कि कितने लोग उस रो में बैठे हुए हैं। कैसे? फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट एंड से उसकी पोजीशन क्या है, राइट एंड से उसकी पोजीशन क्या है, -1। अब -1 हम यहाँ क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हुआ, टी से डिनोट कर लो। पोजिशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट साइड एल, पोजिशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट साइड आर, -1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, टी इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। ठीक है, अब हम 1 माइनस क्यों करते हैं अब वो भी देख लेते हैं। जैसे ये हो गया लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड ये हो गया राइट एंड। ठीक है, अब क्या है कि लेफ्ट हैंड से एक पोजीशन है उस इंसान की एल, राइट हैंड से है आर। अब हम जब उसे एल प्लस आर किया हमने, मतलब लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से उसकी पोजीशन को ऐड किया, तो हमने उसी इंसान की जो पोजीशन थी हमने उसे दो बार कंसिडर कर लिया, क्योंकि हमने उसे लेफ्ट हैंड से भी कंसिडर किया और राइट हैंड से भी कंसिडर किया। तो इस वजह से हम उसमें -1 कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है In a row of persons, the position of Abhay is 27th from the left end. 27 from the left end and 34 from the right end. ठीक है, what how many people are there इन दी रो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि एक रो है लोगों की जिसमें अभी की पोजीशन लेफ्ट एंड से 27 है, क्या है 27 है, राइट एंड से 34 है। अब पूछा क्या गया है, टोटल नंबर बताने के कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर यही क्वेश्चन जिसमें ये लिखा होता कि अभी की पोजीशन फिफ्थ है लेफ्ट एंड से और राइट है सेवेंथ है राइट एंड से, तो कितने होते हैं, तो आप एक स्केल बनाते उसमें मार्क करते और उससे हम निकाल लेते। बट ये फॉर्मूला क्यों डिराइव किया गया, क्योंकि अब आप 27th पोजीशन है लेफ्ट एंड से और 34th पोजीशन है राइट एंड से, और हमें रीजनिंग का या जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, उसमें आपको देखा जाता है कि आपकी स्पीड कैसी है, आप कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएं, क्या है फॉर्मूला, t इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। ठीक है, तो t हमें क्या पता है लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या है 27, राइट एंड से क्या है 34 माइनस वन, 34 माइनस वन 33, 27 प्लस 33 7 प्लस 3 10, 3 प्लस 2 5 1 6। तो टोटल नंबर कितने लोग उस रो में बैठे हुए, उसमें 60 मतलब 60 लोग बैठे हुए। अब इसमें राइट एंड और लेफ्ट एंड मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, उन्होंने फॉर्मूला में भी एल प्लस आर माइनस वन लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन एक इंसान की ये है और लास्ट पोजीशन एक इंसान की ये है, तब भी बता दो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड की जगह पे आप स्टार्टिंग वाले अगर पोजीशन का नंबर लिख दोगे और राइट हैंड की जगह पे लास्ट वाले का नंबर लिख दोगे,
सेम केस होता है टॉप और बॉटम में भी, अगर टॉप पोजीशन दी हुई है बॉटम पोजीशन दी हुई है तो भी आप ऐसे ही फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। पहले इसका सॉल्यूशन लिख लो। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ, इन अ रो ऑफ 16 पर्संस, इन अ रो ऑफ 16 पर्संस द पोजिशन ऑफ गीता फ्रॉम लेफ्ट एंड From left in is 10th, ठीक है? Find her position from the right end, ठीक है? अब ये हो गया, हमें इसमें दिया क्या हुआ है कि 16 पर्संस की रो है, मतलब एक रो में 16 लोग बैठे हुए हैं। गीता की पोजीशन लेफ्ट एंड से दी हुई है और पूछी क्या राइट एंड से, राइट? तो अब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर दिया हुआ है 16, लेफ्ट एंड से 10, आर की पोजीशन हमें दी नहीं, आर ही हमें निकालना है, -1, तो 10 -1 9, 16 -9 कितना हो गया, 7 हो गया, देख सकते हैं, सॉरी 9, 7, 16 होता है, तो R की पोजीशन क्या, R क्या हो गया, मतलब गीता की पोजीशन राइट एंड से क्या हो गई, 7th हो गई। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मूला सेम था। अब जब आपके पास फॉर्मूला है, चाहे आपसे राइट एंड की पोजीशन पूछी जाए या लेफ्ट एंड की पोजीशन पूछी जाए या टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछी जाए, आप कुछ भी निकाल सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वर्बली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 39 रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित, ठीक है? कितनी 17 रैंक। इफ द पोजिशन ऑफ सुमित इज 17th from the last, then what is the position of Ravi from the start, मतलब 39 बच्चों की क्लास है जिसमें जो रवि है वो सुमित से 7 रैंक्स अहेड है, मतलब 7 रैंक्स आगे है। और हमें दिया गया है कि हमें सुमित की पोजीशन दी हुई है लास्ट से, मतलब राइट एंड से 17। अब पूछा है कि रवि की पोजीशन शुरुआत में से क्या होगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, बट उतना है नहीं, सॉल्व बहुत ही इजिली हो जाएगा। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 39 टोटल स्टूडेंट्स हैं 39। हमें सुमित की पोजीशन लास्ट से क्या दी हुई है, 17th, ठीक है? सुमित की पोजीशन हमें क्या दी हुई है, 17th। अब हमें ये तो बताया गया ना कि रवि की जो रैंक है वो कितनी है, 7 रैंक्स अहेड है, मतलब
जो सुमित की पोजीशन होगी जो भी, उससे 7 नंबर और आगे ही रवि होगा। तो मतलब रवि कहाँ होगा, रवि 17 + 7 कितना हो गया, 7 × 7 = 14, 1 = 24। तो रवि की पोजीशन राइट एंड से या लास्ट से क्या हो जाएगी, 24। और हमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर स्टूडेंट से। वह तो फॉर्मूले में लगाओ T = L + R - 1, टोटल कितने 39 = लास्ट मतलब या फिर स्टार्टिंग मान लो 24 - 1 दैट इज 39 = L + 16, और L हो गया आपका 39 - 16 दैट इज 23। तो रवि की पोजीशन स्टार्टिंग से क्या हो जाएगी, 23। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लो। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरचेंज वाला। वो भी बहुत सिंपल होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। When they interchange their positions, when they interchange their position, Shilpa becomes 14th from the left. Shilpa becomes 14th from the left. Find the total number of students. Find the total number of students in the class. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें शिल्पा की पोजीशन लेफ्ट साइड से 8th है, कितनी है 8th फ्रॉम द लेफ्ट, और रीना की क्या है 17th है फ्रॉम द राइट। फिर क्या हुआ, उन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, चेंज करने के बाद शिल्पा की पोजीशन लेफ्ट साइड से हो गई कितनी 14th। ठीक है, और पूछा क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने क्लास में कितने हैं। अब ड्रॉ करके देखो तो क्या है, शिल्पा की पोजीशन है 8th, ठीक, और रीना की पोजीशन है 17th। ओके, जब इन्होंने इंटरचेंज किया तो रीना आ गई इधर और शिल्पा आ गई इधर, तो शिल्पा की जो पोजीशन हमें फिर जब इंटरचेंज करने के बाद शिल्पा की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या हो गई, एल हो गया 14th। पर राइट साइड से अब शिल्पा तो रीना की ही जगह पे आई, तो रीना राइट साइड से क्या है 17th पोजीशन पे, पोजीशन तो नहीं चेंज हुई बट पर्सन्स चेंज हुए। तो जो रीना की पोजीशन राइट साइड से थी इंटरचेंज होने के बाद, शिल्पा की पोजीशन राइट साइड से वही सेम बन जाएगी। तो आ क्या हो गया शिल्पा के केस में 17, तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं T = L + R - 1 That is 14 + 17 - 1 14 + 16 = 30। तो कितने बच्चों के क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 30। ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि शिल्पा और रीना की एक पोजीशन दी हुई थी इंटरचेंज होने से पहले लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, उन दोनों ने पोजीशन चेंज करी,
हमें शिल्पा की पोजीशन क्वेश्चन में पता है कि लेफ्ट साइड से जब चेंज होने के बाद क्या हो गई, और शिल्पा सिंस रीना की जगह पे आई तो रीना की जो पोजीशन थी वो तो वही रहेगी इंटैक्ट, पर रीना शिल्पा की जगह चली गई और शिल्पा रीना की जगह आ गई, तो जो राइट साइड से पोजीशन थी रीना की पहले इंटरचेंज होने के बाद वो शिल्पा की पोजीशन हो गई। तो हमें उसकी राइट साइड से भी पता थी, लेफ्ट साइड से क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल यूज करके ही हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले, किसी एक की भी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अगर हमें पोजीशन पता होगी तो हम ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे टाइप वन क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा बहुत ट्रिकी बना देते हैं कुछ वेरिएबल चेंज करके या इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट डाल के, या फिर अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और लेफ्ट पोजीशन नहीं दी हुई है या फिर राइट पोजीशन नहीं दी हुई है, एक वेरिएबल नहीं दिया जाएगा और बाकी सारे आपको मेंशन हो गए, या फिर दूसरे का आधा दिया जाएगा, एक का आधा दिया जाएगा और फिर आपको उससे एक का टोटल नंबर निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, मतलब सिंस ये बहुत ईजी भी है तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइप से।